why are feminists right? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फेमिनिस्ट की जो है वो दो टाइप होती हैं। पहली टाइप में वो आती हैं जिनको सारे राइट्स मिल चुके हैं, मगर इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इनको ये राइट्स मिल कैसे गए। मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। पे कौन है यार तू? मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो ये है थोड़े से क्रैक। तो इन्होंने जो है इनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि इनको सारे राइट्स मिले कैसे, तो उन्होंने ये डिमांड कर दी। You're sitting right now in Manhattan. Manhattan, we need to rename the city then. The Big Apple. The Big Apple would be less offensive. What if you lived in Manchester, Vermont? Well, they might have to change the name of the city. So our language needs to change. And a term that used to be non-offensive, like man-made and male-man, now needs to be changed. What? They have me. मतलब इन्होंने कहा है कि जिस जिस वर्ड में मैन आता है MEN, वो वर्ड को चेंज किया जाए, या कोई कंट्री हो या कोई सिटी हो, जैसे मैनचेस्टर सिटी है तो इसके अंदर MEN आता है, तो इनके मुताबिक ये है कि इस सिटी के नाम को चेंज किया जाए, क्योंकि इस वर्ड इस सिटी के नाम में MEN मैन आता है। भाई वाह, मतलब कुछ भी। फिर आती है सेकेंड टाइप्स की फेमिनिस्ट, जिनको वाकई में राइट्स नहीं मिल रहे हैं, जो ना ही जॉब कर सकते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं, ना यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, और अगर यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत में भी जाए तो जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है इनको कि जो है लड़कियों का काम है सिर्फ खाना बनाना, और अगर कोई लड़की अगर सियासत में चली जाए, पॉलिटिक्स में चली जाए, तो उसको कहा जाता है कि लड़कियाँ जो है मुल्क नहीं संभाल सकती, सिर्फ किचन ही संभाल सकती हैं। ये जो सेकंड टाइप की फेमिनिस्ट है ये सही है। वो कैसे, ये जानने के हमें जो है थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 100-200 साल पहले जब दुनिया में पीस नहीं था, हर वक्त जंग ही होती रहती थी, और मर्दों का काम होता था कि वो जंग पे जाएंगे, जंग लड़ेंगे और अपने कबीले की सियासत को देखेंगे, और औरतों का काम होता था कि वो खाना बनाएंगी। मगर उस वक्त खाना बनाना कोई आसान काम नहीं था, एक वक्त का खाना बनाने में तकरीबन 6-7 घंटे लग जाते थे, क्योंकि ना ही उस वक्त कोई मशीन थी, ना कुछ था कि जो मसाले बने आटा चक्की और ये सब बनाने की, और अगर कोई चीज़ कम हो तो औरतें खुद जंगल में जाती थी और वो चीज़ दे के आती थी। अच्छा, जो मर्द जब जंग पे जाते थे तो जो कबीले का सरदार है, तो जब वो जंग पे जाते थे तो उनकी जो बेगम है वो उस कबीले को सियासत को देखती थी और चलती थी। तो मतलब लड़कियां औरतें जो है वो मुल्क चला सकती हैं। अच्छा, फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो है दुनिया में पीस हो गया, अमन हो गया, जंग नहीं हो रही थी, जंग होना ख़त्म हो गई, तो जो है मर्द जो है जो जंग पे जाते थे अब जंग पे नहीं जाते थे, तो आराम से अपने कबीले या कैसे के ना बैठे होते थे। तो उन्होंने देखा कि हमारी बेगम इतनी मेहनत करती है कि खाना बनाने में इतना मेहनत, 6 घंटे या मसाला गूंदने में इतनी मेहनत करती है, तो उन्होंने जो है सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे इनको आसानी हो जाए। तो उन्होंने जो है मशीन बनाई, जैसे आटे की चक्की पीसने की, वो तो वो मशीन बनाने के बाद जो है उनको ये हुआ कि इसमें ख़तरा था कि ये मशीन जो है नई मशीन थी, तो उसमें कोई ख़तरा था कि जो है इनको चलानी आएगी या नहीं आएगी, अब किसी का हार्ट ना कट जाए। तो उस वक्त मर्द जो था काम वो जंग पे जाते थे, तो उनको ये था खतरनाक काम तो हम करेंगे, तो उन्होंने कहा ये मशीन जो है हम चलाएंगे, तुम लोग नहीं। तो जो फिर खाना जो 6 घंटे में बनता था वो 4 घंटे में बनने लगा, भेजना से उन्होंने और मशीनें बनाई, और ये मशीनें सारी जो है काम मसाले बनाने का, चक्की पीसने का, ये सारे मर्द करने लगे। तो जो खाना जो है 6 घंटे से 4 घंटे में बना, फिर जो है अब 4 से 2 घंटे में बन जाता है, या 2 से 1 घंटे में बन ही जाता है, थैंक्स टू शान नेशनल मसाला। लेकिन असल मसला ये है कि जो सारा काम औरतें करती थीं, जो मेहनत का काम करती थीं, वो सारा काम तो मर्द करते हैं, तो अब औरतों के पास कोई काम नहीं, तो उनको काम इस चीज़ की आदत नहीं है, उनको होता है हम भी कुछ काम करें, कुछ करें। तो इस वजह से उन्होंने कहा ठीक है, तुम मर्दों को ये काम करना है तो करो, अब हम ऑफिस काम करते हैं। तो आग लग जाती, कहते नहीं खाना बनाना तो औरतों का काम है, तो
भाई ये नहीं सोचते कि भाई जब मर्द कर रहे हैं और लड़के कर रहे हैं मसाल बनाने का चक्की पीसने का, तो उनको भी काम करने दो, ऑफिस वर्क करने दो, इजाजत दो। और खाना बनाना भी जो है एक जॉब है। अगर औरतें लड़के ये जॉब कर सकते हैं तो वो कोई और कोई भी जॉब कर सकते हैं। आखिर में मुझे एक बात समझ नहीं आई जिसका जवाब आप लोग मुझे दीजिएगा कमेंट्स में, कि जब कोई लड़का गलती करता है और आखिर में मान जाता है कि उससे हाँ गलती हुई है, तो सब कहते हैं वाह मर्दानगी आ गई, मतलब कि उसने अपनी गलती मान ली, तो कहते हैं मर्दानगी आ गई। लेकिन जब लड़की कोई गलती करती है तो वो तो कभी मानते ही नहीं कि उससे गलती हुई है, तो ये औरतदानगी कब आएगी?